महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार से मिशन शक्ति अभियान शुरू हो गया। चौधरी चरण से विश्वविद्यालय परिसर से हुए मिशन शक्ति अभियान के आगाज के साथ ही जिले के सभी थानों में महिलाओं की सुनवाई के लिए स्पेशल महिला हेल्प डेस्क बनवा दी गई है, जिसके तहत अब थानों में सिर्फ महिला पुलिस कर्मी ही महिला पीड़िताओं की सुनवाई करेगी। बताते चले, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक सप्ताह तक चलने वाला मिशन शक्ति अभियान आज से शुरू हुआ है, जिसके तहत जिले के सभी थानों में महिलाओं की सुनवाई के लिए महिला हेल्प डेस्क बनवाई गई है। आज पहले दिन ही थानों में महिला फरियादियों की भीड़ लगी रही। महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी को ही तैनात किया गया था। एएसपी कैंट इरज राजा ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए चौराहों और पुलिस चौकियों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से ऐलान करते हुए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे महिलाएं थाने में जाकर महिला हेल्प डेस्क तक अपनी समस्याओं को पहुंचा सके। मिशन शक्ति शासन की तरफ से जारी हुआ है। आज से नवरात्रि के पर्व पर मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है और ये अब हम आगे भी चलता रहेगा। इसमें एक हफ्ते जो है मिशन शक्ति आज से शुरू हुआ है, एक हफ्ते कुछ खास प्रोग्राम होंगे, विभिन्न विभागों के प्रोग्राम होंगे और इसी क्रम में पुलिस से में जो काम किया गया है उसमें सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां पर महिलाएं डायरेक्ट आके महिला पुलिस कर्मियों से अपनी बात कह सकती हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं उनसे डायरेक्ट फ्रीली आके बता सकती हैं। उसमें उसी के अनुसार जिस तरह की चीज़ होगी उसमें उसका संविधान समाधान किया जाएगा उनकी समस्याओं का, और उनकी जो भी शिकायत होगी उनका निस्तारण किया जाएगा। ये मिशन शक्ति पूरे प्रदेश में लागू हुआ है आज से। इसमें मेन जो इसका मोटिव है वो ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं अपने बेस पर चीज़ें करें और उनको किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े, महिला संबंधी अपराधों में कमी लाई जाए। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट रहेगा और सभी थानों पर पूरे जनपद में हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है।